इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एमओडी को लेके बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेके बात करेंगे, जहाँ पे जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है नदन बॉर्डर पे, उसको रिव्यू करने के बाद कुछ नया सिस्टम के प्रोक्योरमेंट को नॉड दिया गया है एमओडी के द्वारा। तो चाइनीज बॉर्डर पे कहीं की जो डिस्कलेशन है वो आपको प्रॉपरली देखने को नहीं मिलने वाला है, और कहीं की जो ऑपरेशन प्रिपेयरनेस है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को देखते हुए कुछ जो नया एडिशनल प्रोक्योरमेंट है उसको हामी दी गई है एमओडी के द्वारा, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला सिस्टम रहेगा वो एलएनटी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया कोरियन K9 SPH है, सेल्फ प्रोपेल्ड हाविज्जा है। तो इसकी सफलता को देखने के बाद लद्दाख में ये डिस्कशन में था कि तकरीबन 200 के नंबर में इन्हें और प्रिक्योर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन आया है उसमें तकरीबन 100 के नंबर में इस तरह के जो SPH होंगे उनको प्रिक्योर करने के लिए नॉट दी गई है, हामी दी गई है, और जल्द ही जो RFP है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो प्रिक्योरमेंट होगा वो एलएनटी से किया जाएगा, जहाँ पे एलएनटी इस गन को मैन्युफैक्चर करेगी। K9 वज्र को लेकर हम सभी जानते हैं, ये एक 155mm गन है जिसका तकरीबन 100 यूनिट आर्मी ऑपरेट करती है, और इन सभी 100 यूनिट के लिए जो स्पेशल नाइट ऑपरेशन किट है वो भी डिलीवर कर दिए गए हैं। जो एडिशनल गन आएंगे उनको भी इक्विप किया जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड किट और नाइट किट के द्वारा। तो ये 52 कैल कॉन्फ़िगरेशन में है, और जिस तरह का ये एलिवेशन आपको देता है फायरिंग के लिए वो सूटेड है लद्दाख जैसे रीजन के लिए। यहाँ पे अगले प्रोक्योरमेंट की बात करोगे तो तकरीबन 150 का जो अनुमान है DRDO के ATAGS का वो भी लगाया जा रहा है, इसके जो ऑर्डर हैं जल्दी आपको दिखेंगे। तो अब यहाँ पे K9 वज्र के जो ऑर्डर हैं वो 100 के ही रहेंगे, जो एडिशनल 100 और होगा उसको बाद में फॉलो अप के रूप में दिया जाएगा। तो K9 वज्र का जो एक फुल रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय किया गया ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि 20 गन का रेजिमेंट है, ऑलरेडी वो ऑपरेशनल है, जिनमें जो विंटर किट है वो इंस्टॉल कर दी गई है। विंटर किट में तकरीबन 9 आइटम आप रख लोगे, जो कि लुब्रिकेंट, हीटिंग सिस्टम और गन का जो FCS है वहाँ पे कुछ ट्विकिंग की गई है। यहाँ पे अगले सिस्टम की बात करोगे जिसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा वो 6 के नंबर में पिनाका के रेजिमेंट है, तो इसको भी यहाँ पे हामी दी गई है। एक और रेजिमेंट प्रोक्योर किया जा रहा है धनुष का, जो कि 155mm 45 कैल का गन है, तो इसको भी अप्रूव किया गया है नदन बॉर्डर के लिए। और यहीं पे जो DRDO का स्वाति Mk2 है रेडार, उसको अप्रूव किया गया है स्पेशली LAC और माउंटेनियस एरिया के लिए, क्योंकि इसको स्पेशली माउंटेनियस एरिया के लिए बनाया गया था, माउंटेन वर्जन था ये, जहाँ पे इसके वेट पे काम किया गया था और हाईली मोबाइल इसको बनाया गया था। तो इसके जो नंबर ऑफ रेजिमेंट है वो क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन जो अप्रूवल है वो आपको यहाँ पर दिखा है। तकरीबन 6 रेजिमेंट M777 के वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, और जबकि साथ ही Mk1 रेडार हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक और सिस्टम के बारे में, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए एक जो अनाउंसमेंट है वो साब के द्वारा किया गया है, स्वीडिश साब के द्वारा। ये सिस्टम है साब का कार्ल गुस्ताफ Mk4। तो इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए जहाँ पे जो इंडियन आर्मी की जरूरतें होंगी, इसे के M1 और M2 के रिप्लेसमेंट प्लस जो एक्सपोर्ट होगा साब का इंडिया से वो देखा जा रहा है M4 के लिए, जहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक जो नई कंपनी है वो भारत में एस्टैब्लिश की जा रही है साब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जहाँ पे जो कंपनी का संचालन है वो 2024 से आपको दिखेगा, प्रोडक्शन उस टाइम से आपको दिखेगा। सो ये जो साब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगी ये कुछ और की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगी इंडियन आर्मी के लिए, जो कि इंडियन आर्मी के CG M3 और M4 के लिए रहेगा, स्पेशली जो कार्बन फाइबर वाइंडिंग है इन गन्स के लिए वो भी यहीं से मैन्युफैक्चर होंगे। और एक जो ब्रांड न्यू फाइबर कंट्रोल डिवाइस है FCD, उसका डेवलपमेंट भी यहाँ पे लॉन्च होगा। जो कार्ल गुस्ताफ का M3 है उसकी जो बैरल असेंबली है उसको भी रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर। सो कार्ल गुस्ताफ एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी का वर्क हॉर्स है, जिसको काफी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। M4 की बात करोगे तो ये एक रिकॉयलेस मैन पोर्टेबल सिस्टम है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो मल्टी मिशन के लिए, और कोई भी सोल्जर इसको अपने शोल्डर पर रख के फायर कर सकता है, क्योंकि एक लाइट वेट सिस्टम है, जहाँ पर जो सिस्टम का वेट है वो 7 kg का राउंड रहेगा, और जो लेंथ है वो 1 meter से कम की है। यहाँ पर जो साइड की माउंटिंग है, रेड डॉट साइड, टेलीस्कोपिक साइड, या फिर जो एडवांस फायर कंट्रोल डिवाइस है उनको आप माउंट कर सकते हो। अम्युनिशन टाइप की बात करते हो तो एंटी आर्मर, एंटी स्ट्रक्चर, एंटी पर्सनल प्लस जो सपोर्ट अम्युनिशन है वो भी यहाँ से फायर किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो इस तरह के सिस्टम होंगे वो आपके ट्रूप्स को एक टैक्टिकल एडवांटेज देंगे किसी भी तरह के कॉम्बैट सिनेरियो में, चाहे आपको ऑब्स्टिकल को क्लियर करना हो, एनमी के आर्मर को डिस्ट्रॉय करना हो, टैंक आर्मर को, या फिर किसी एनमी के बिल्डिंग को आपको डिस्ट्रॉय करना हो, तो हर तरह के कंडीशन में आप इसको फायर कर सकते हो। अभी तकरीबन जो CG का M4 वेरियंट है वो 15 देशों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग US, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।